मैं आपको इसी वक्त स्कूल से निकालती हूँ, इसी वक्त, और आपके साथ हिंदी मीडियम के सारे टीचर्स को भी निकालती हूँ। लीव। मैम, लेकिन ये आर्टिकल सिर्फ मैंने लिखा है, इसमें बाकी टीचर्स का कोई हाथ नहीं है। गलती मेरी है तो सजा भी सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए ना मैम। ठीक है, अगर आप इतनी रिक्वेस्ट कर रही हैं तो मैं आपकी रिक्वेस्ट मान लेती हूँ, लेकिन एक शर्त है, इस स्कूल की प्रमाइसेस में आज के बाद कभी नहीं आएंगी। और आप ये टीचर्स कॉलोनी भी छोड़ के जाएंगी विद इमीडिएट इफेक्ट। अरे आप लोग क्या इतना सेंटी हो रहे हैं? आप ही के भरोसे स्कूल छोड़ के जा रही हूं मैं। अच्छा आलिया, देख सारी प्रॉब्लम अब तक मिलके सॉल्व की है ना, हम इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। नहीं रबिया, देख मेरे रुकने से तुम सबकी नौकरी दांव पे लग जाएगी, जो मैं नहीं होने दूंगी। आलिया जी, और अन्याय हम होने नहीं देंगे, क्रांति कर देंगे, क्रांति पृथ्वी पर लेट जाएंगे, आंदोलन करेंगे। हम इनका अनुमोदन करते हैं। मतलब? अरे मतलब हम सब साथ हैं। हाँ बाबू सतंगी। हाँ। बाबू भदौरिया। हाँ। एकता दिखाने का सही समय आ गया है। हाँ। चलो रिवर्ट करते हैं। अरे रिवर्ट नहीं, रिवोल्ट। हाँ वही करते हैं। हाँ करना पड़ेगा भाई। हाँ। हाँ। एनी प्रॉब्लम? Is there a problem? No, no problem. वो क्या है ना, वो जा रहे ना तो रिक्शा लाने के लिए बोले थे। जाऊं? जल्दी कीजिए। There's a lot of work to do. So sorry, आलिया, मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बोला था ना मैंने तुम्हें इस स्कूल से तुम्हारा पत्ता कटवा दूंगी। देखा? Excuse me. Yes. Myself, जय किशन माथुर। मैं आगरा की एक एजुकेशन कमेटी से हूँ जो एक एनजीओ है। हेलो मिस्टर माथुर, मैं सौदामिनी साहू, स्कूल की ट्रस्टी। हाउ मे आई हेल्प यू? मुझे चेयरमैन साहब ने भेजा है। इस आर्टिकल के सिलसिले में बात करने के लिए। ये मिस आलिया आपके स्कूल में टीचर है ना? मैम, मुझे लगता है आलिया के आर्टिकल से ये लोग भी खुश नहीं है। देखा, जाते जाते भी लड़की आपको फंसा गई। मिस्टर माथुर, एक्चुअली हम इस आर्टिकल को कंडेम करते हैं। इनफैक्ट इस एक तरफा आर्टिकल से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। और जिस टीचर ने ये आर्टिकल लिखा था ना, वो तो अब स्कूल की टीचर ही नहीं है। क्या, एक तरफा आर्टिकल? फिर तो मुझे लगता है सुदामिनी जी, आपने ये आर्टिकल ठीक से पढ़ा ही नहीं है। अगर आपने ये आर्टिकल ठीक से पढ़ा होता तो आपको ये मालूम होता ये आर्टिकल कितना संतुलित है। इस आर्टिकल ने बढ़ती हुई फीस से जो पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, उसके साथ साथ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की बाकी कई प्रॉब्लम को सामने रखा है। इस आर्टिकल ने हमारे एनजीओ की आंखें खोल दी है, आंखें। देखिए जी, जब सड़क पर गड्ढा होता है तो सब लोग इग्नोर करके चले जाते हैं, लेकिन कोई एक ही होता है जो वहां रुककर आवाज लगाता है कि यहाँ गड्ढा है, और फिर उसी की वजह से वो गड्ढा भरा जाता है।
सुदामिनी जी, मिस आलिया वही इंसान हैं। उन्होंने हमारा ध्यान इस प्रॉब्लम की तरफ खींचकर एक अच्छे नागरिक और अच्छे टीचर होने का रोल अदा किया है। ये इसीलिए हमारे एनजीओ ने पेरेंट्स और स्कूल की समस्या का हल निकालने के लिए आगरा के सारे स्कूलों को फंड देने का फैसला किया है। स्कूलों के पास पैसा आएगा तो वो फीस घटाकर पेरेंट्स की परेशानी को कम कर सकते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। हम इस जेस्चर को बहुत अप्रिशिएट करते हैं एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल सर। है ना मिस तारा? या मैम। बट आई एम सॉरी, वो फंड हम आपको नहीं दे सकते। क्यों? एक्चुअली चेयरमैन साहब ने कहा है कि ये पैसे उसी टीचर को देना है जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। लेकिन अभी अभी आपने बताया कि वो अब आपकी टीचर नहीं रही, सो मैं आपको नहीं दे सकता। अरे सर, वो यहाँ नहीं है, मतलब वो यहाँ है, कहीं गई नहीं है, बस वो अब इस स्कूल की टीचर नहीं है, वो इस स्कूल की वाइस प्रिंसिपल है। Everybody give a big hand for the new vice principal of the Hindi medium. Clap, Miss Tara. अरे मिस आलिया, आप वहां क्यों खड़ी है? एक मिनट, यहाँ क्या कर रही है? हाँ, उन्हा टीचर को वहां आगे होना चाहिए, ऐसे पीछे थोड़ी खड़े ना। चलो चलो चल। मिस आलिया। नमस्ते मिस आलिया। एक होनहार और टैलेंटेड टीचर होने के नाते और ज्ञान सरोवर इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी ब्रांच की वाइस प्रिंसिपल होने के नाते चेक एक्सेप्ट करो स्कूल फंड के लिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम में आप जैसी टीचर हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये लीजिए। थैंक यू सर। हम तो गड्ढे पे खड़े खड़े आवाज ही लगाते रहते हैं, असल में गिरने से तो आपने बचाया है। ये फंड बहुत काम आएगा सर, पेरेंट्स सच में बहुत प्रेशर में हैं। और अब वो कितने खुश होंगे, आपको कितनी दुआएं देंगे, आप सोच भी नहीं सकते सर। थैंक यू। और अब फीस कम हो जाएगी तो किसी बच्चे को पढ़ाई भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर जी। नमस्ते। वेल डन मिस आलिया, वेल डन। आलिया तूने तो कमाल कर दिया। अरे नौकरी तो बच गई लेकिन साथ में तू वाइस प्रिंसिपल बन गई और हमारी तो शादी भी बच गई। आलिया जी, लार्ज पिज्जा मंगवा लीजिए विथ नो कॉन्टेक्ट डिलीवरी। लार्ज नहीं, लार्ज वही मंगा लीजिए जो ये बोल रहे हैं। एक पिज्जा से सबका क्या होगा? अरे और मंगाओ। एंजॉय योरसेल्फ। डिस्पर्स। तारा, एक मिनट। थैंक यू। कहाँ तुम मुझे स्कूल से निकालने चली थी और मैं वाइस प्रिंसिपल बन गई। थैंक यू। तारा सुनो ना, पिज्जा खा के जाना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जय श्री कृष्ण आपकी कृपा से मुझे स्कूल की वाइस प्रिंसिपल बनने की जो जिम्मेदारी मिली है बस मैं इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाऊं यही आशीर्वाद दीजिए आलिया तुम मेरी मॉम पे जादू टोना क्यों कर रही हो अरे मैं कोई जादू टोना आधा पौना नहीं कर रही हूँ कुछ भी तो क्या कर रही हो मेरे रूम को सैनिटाइज करने आई हूँ देखो अगर सैनिटाइज कर रहे हो तो प्लीज जाओ यहाँ से मुझे धुएं से एलर्जी है प्लीज गो आज मैं मान गई आंटी हाँ? तारा आप ही की बेटी व्हाट डू यू मीन की तारा आपकी बेटी है हाँ? मतलब तुम दोनों कितना एक जैसा सोचते हो ना इसलिए आंटी मैं सैनिटाइज नहीं कर रही हूँ मैं बस धुएं से घर को पवित्र कर रही हूँ हाँ तो फिर मेरी मॉम के कमरे में क्यों एंटर हुई ओहो तुम मेरी पूरी गृहस्थी में एंटर कर चुकी हो और मैं कमरे में एंटर नहीं कर सकती तुम शायद भूल रही हो ये मेरा घर है और अपने घर को पवित्र रखना मेरा फर्ज है ना आंटी और अपने घर में मैं कोई भी बुराई टिकने नहीं दूंगी टिकने तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी ना ही इस घर में और ना ही स्कूल में तारा तुम्हारी ये बात सुन के ना मुझे एक कहानी याद आ रही है एक बार एक आदमी था जिसे भगवान जी मिल गए तो भगवान जी ने उससे कहा मांगो जो वरदान मांगना तो आदमी बोल पड़ा भगवान जी मेरा ना एक पड़ोसी है मुझे उसके नुकसान करने का वरदान चाहिए अब भगवान जी ठहरे भगवान जी उन्होंने कह दिया तथास्तु लेकिन उस आदमी को एक चीज नहीं पता थी कि भगवान जी ने पहले ही उस पड़ोसी को आशीर्वाद दे रखा था आशीर्वाद ये था कि उस पड़ोसी का अगर कोई भी इंसान कैसा भी नुकसान करना चाहेगा ना तो उल्टा पड़ोसी का ही फायदा होता रहेगा तात्पर्य यहां तुम वो आदमी है और मैं पड़ोसी समझ में आया कुछ नहीं आंटी आप हाँ देखा कहा था ना मैंने तुम दोनों सेम सेम हो पहेलियां मत बुझाओ आलिया साफ साफ बोलो क्या बोलना चाहती हो तो सुनो तुमने बहुत कोशिश की कि तुम मुझे इस कॉलोनी से बाहर निकाल दो लेकिन क्या हुआ मैं तो अपने ही घर में वापस आ गई तुमने बहुत चाहा कि मैं अपने स्कूल से निकल जाऊं लेकिन वहां भी उल्टा हो गया मैं तो वहां की वाइस प्रिंसिपल बन गई देखो अब और कुछ बुरा मत सोचेगा मेरे बारे में वरना मेरा ही फायदा हो जाएगा आलिया सिर्फ बोलने की आदत है या सुनने की भी आदत है तुम्हें तुम्हें क्या लगता है कि वाइस प्रिंसिपल बन के तुमने कोई जंग जीत ली कोई बाजी मार ली लेट मी टेल यू समथिंग जब तक मैं तुम्हें इस घर से और स्कूल से बाहर नहीं कर देती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी और तब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी कहानी तो क्या तुम्हें कविता तक नहीं सुना पाओगी मुझे दिल से तारा कैसा बौखला गई ना उसने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तू अपने घर में वापस चली जाएगी तो मजे आ गए भाई हां बिल्कुल ये कोई बात है कोई हिंदी भाषा के बारे में इस तरह से कैसे बात कर सकता है चतुर्वेदी जी हुआ क्या आप इतने क्यों बौखलाए हुए हैं क्या हो गया आप पूछ रही हैं क्या हो गया मैंने क्या किया
आपसे नहीं है मतलब। हम प्रतिदिन की भांति पूर्वाभ्यास कर रहे थे संगीत विद्यालय भजन की। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जैसे पहले। अरे आप दोनों, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारी इस प्रार्थना वाली को सुन के आपकी दंतावली में ये प्रस्फुटन क्यों हुआ? इस गाने को सुन के हंसी नहीं आएगी तो और क्या आएगा? कैसी बात कर रही हैं आप हमारी इस प्रशंसा गीत का अपमान कर रही हैं, उसका उपहास उड़ा रही हैं। ओ नो 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 नो, मैंने कुछ नहीं उड़ाया। आप एक बात बताइए मुझे, जब आप दोनों विद्यार्थी थी तो विद्यालय में प्रतिदिन कौन सा गीत गाती थी आंग्ल भाषा में, उसे क्या कहते हैं? That is school anthem. वही, ये हमारे विद्यालय का वही है परंतु हिंदी में है, समझिए आप। You know, आज के टाइम पे हिंदी में एंथम कौन गाता है? काव्या, हमारे स्कूल की तो इमेज गिर जाएगी। यू नो, कैसी निम्न स्तरीय बात कर रही हैं आप दोनों को, ये बात शोभा नहीं देती। शिक्षक हैं आप, हम इसकी उलाहना करेंगे। उलाहना? व्हाट उलाहना? अर्थात शिकायत करेंगे इन दोनों की। अच्छा वो महोदय, आप सही समय पे आ गई। पता है क्या है, हमारे विद्यालय में जो प्रशंसा गीत गाया जाता है, इन दोनों देवियों का कहना है कि ऐसा हिंदी का कोई गीत विद्यालय में होना ही नहीं चाहिए। बताइए। सीरियसली? पर चतुर्वेदी जी, जी दोनों बात तो सही कह रही है, मतलब हमारे स्कूल का एंथम तो इंग्लिश में ही होना चाहिए। तब एक काम क्यों नहीं करते आप, एंथम इंग्लिश में कंपोज करने का प्रयास क्यों नहीं करते? वो विद्यालय भजन की पंक्तियों पे हंस रही थी, हिंदी भाषा का अपमान कर रही थी और साथ साथ विद्यालय का भी अपमान कर रही थी और हमारा भी अपमान कर रही थी। क्या बात कर रहे हैं आप चतुर्वेदी जी, तारा ने भी स्कूल एंथम का अपमान किया? हाँ जी। ना ना चतुर्वेदी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी प्रिंसिपल मैम से जाके बात करूंगी। जी बिल्कुल, हमारे स्कूल एंथम का अपमान कोई नहीं कर सकता। हमारा स्कूल एंथम तब से चला रहा है जब से ये स्कूल बना है। मैम, आई फील कि पिछली चीजों को अगर हम चेंज नहीं करेंगे ना तो हम भी पीछे रह जाएंगे। ये हमारे स्कूल की वाइस प्रिंसिपल होने के बावजूद हमारे स्कूल के एंथम की बुराई कर रही है, और स्कूल के एंथम की बुराई मतलब स्कूल की बुराई, देख रही है ना? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मैं स्कूल की कोई भी बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि हमारे स्कूल का एंथम अगर वही पुराना बोरिंग हिंदी में होगा तो फिर लोग हमारे स्कूल को पिछड़ा हुआ समझेंगे ना। अच्छा, तुम्हारा मतलब कि भारत में जितने करोड़ों लोग हिंदी में बात करते हैं वो पिछड़े हुए? मैंने ऐसा कब कहा? मैम, मैं बस इतना समझाना चाह रही हूँ कि अगर हमारे स्कूल स्टूडेंट्स हिंदी में स्कूल एंथम गाएंगे तो उससे उनके पेरेंट्स पर और बाकी लोगों पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? आई थिंक यू आर राइट तारा, हमें स्कूल को लंदन और अमेरिका के स्कूल के लेवल्स तक लेके जाना है, और उसके लिए हमें चेंज लाना पड़ेगा। या नहीं तो सब बैकआउट हो जाएंगे। Exactly. And backout means lost, lost means no money, and no money is not okay with sodomy. लेकिन मैम, इसी एंथम से सालों से हमारा स्कूल आगरे का बेस्ट स्कूल बनता आ रहा है। मिसालिया जरूरी नहीं है जो इतने सालों में हो रहा है वो अब भी होगा। We all need a change because new look means attraction, attraction means लोग स्कूल में आएंगे और पैसा खर्चा करेंगे। इसीलिए अब स्कूल का एंथम इंग्लिश में ही होगा। मैम, स्कूल एंथम का अर्थ होता है एक ऐसा गीत जो स्कूल के प्रत्येक स्टूडेंट के मन में स्कूल के प्रति सम्मान भाव जगाए, लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि बच्चों को एंथम समझ में तो आए। हाँ, तो स्कूल एंथम कौन सा फ्रेंच लैंग्वेज में होने वाला है? इंग्लिश में ही तो होगा ना, सबको समझ में आएगा। पॉइंट तारा, हिंदी मीडियम के बच्चे तुम्हारा इंग्लिश एंथम सुन तो लेंगे, रट्टा मार के गा भी लेंगे, लेकिन अपने मन में नहीं उतार पाएंगे। मैम, हमें एंथम हिंदी में रखना चाहिए, तब हिंदी मीडियम के ही नहीं बल्कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी एंथम समझ में आएगा। अरे मैम, तो बात घूम फिर कर वही हो गई ना, वही पुराना हिंदी एंथम होगा, राइट? नहीं, अब स्कूल में सब कुछ नया होगा। बिल्कुल, तो हमें स्कूल का नया एंथम बनाना चाहिए। राइट, हिंदी में। रॉन्ग, इंग्लिश में।
हिंदी में होना चाहिए मैम। नहीं, इंग्लिश में होना चाहिए। अब दो दो स्कूल एंथम्स तो बन नहीं सकते ना। एंथम तो एक ही होगा, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोनों की, क्योंकि आप दोनों इस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल्स हैं। सो मैम, आई एम टेकिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई विल मेक इट इन इंग्लिश। हेलो, मैं भी वाइस प्रिंसिपल हूँ मैम, मैं भी जिम्मेदारी लेती हूँ हिंदी में एंथम मनवाने की। इसका सोल्यूशन है मेरे पास। आप मिस तारा इंग्लिश में एंथम बनाएंगी और मिस आलिया आप हिंदी में, और जिसका एंथम बेटर होगा वो सिलेक्ट किया जाए। आई एम गिविंग यू 2 days। लेकिन मैम ये डिसाइड होगा कैसे? सिंपल, डू नॉट फियर व्हेन सुदामिनी इज हियर, टेक्नोलॉजी ये डिसाइड करेगी। हम आप दोनों का एंथम ऑनलाइन रिलीज करेंगे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के सामने। जिस एंथम को ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो बनेगा हमारे स्कूल का नया एंथम। सो आर यू बोथ रेडी? यस यस मैम। यस मैम। तो 2 दिन बाद होगा इस स्कूल के एंथम का लाइव कॉम्पिटिशन। डिस्पर्स। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.